नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। तो आज हम पहुंचे हैं झज्जर में और झज्जर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार वो घर घर जा रहे हैं, दुकान दुकान पर जा रहे हैं और लोगों से कप्तान बिरधाना को वोट देने की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो कप्तान सिंह बिरधाना की घरवाली जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप बताइए, आप लगातार चुनाव प्रचार में जुटी, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है जी। लोग कह रहे हैं कि भी कप्तान सिंह बिरधाना कभी फाइट में नहीं है, गीता बुकल जीतेगी। कप्तान बिरधाना पूरी तरह फाइट में हैं और रहेंगे और जीतेंगे। गीता बुकल मैं नहीं जानती कितना ले रही है, पर कप्तान बहुत कुछ ले रहा है और पब्लिक में उतरा है, बड़े जोर शोर से उतरा है कि पैरों में छाले पड़ गए, हालत खराब होगी। और पब्लिक के लिए और औरतों के लिए, मार्केट के लिए, झज्जर के लिए जीत जाएगा तो बहुत कुछ करके दिखाएगा। ठीक है, क्या झज्जर में काम हुए 10 सालों में? पिछले दस सालों में कुछ नहीं हुए। जब कप्तान नहीं था यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अब कप्तान यहाँ आएगा झज्जर में तो पूरी तरह काम कराएगा, एक एक दुकान, एक एक आपका शहर चमकाएगा, ये मैं कह रही हूँ। कांग्रेस कह रही है कि बोले अभी हम यहाँ पे खाता नहीं खुलने देंगे बीजेपी वालों का। क्यों नहीं खुलने देंगे? अगर कप्तान आ गया तो खाते भी खुलेंगे। कैसे नहीं खुलेंगे? वो खुलवाएगा। क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को झज्जर के अंदर? हम क्या, हम बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। जब से हम वोट लेने के लिए जा रहे हैं, हर कप्तान के बिरधाना के साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कल भी कम से कम 700-800 आदमी थे और जब गीता बुकल के झंडे थे, 10-12 झंडे थे, हमारे कम से कम 250-300 आदमी थे। हम गए थे मनाज मंडी में कल और जोर जोर से हम ये कह रहे हैं जिता के छोड़ेंगे, जीतेगा कप्तान बिरधाना, जीतेगा। गीता बुकल ने 3 बार चुनाव जीत लिया लगातार, तो उनको हारने की भेजने के जी कलायत में। हाँ जी, आप बताओ जी, क्या लग रहा है झज्जर में आप लोगों को? हमने इस बात का इस टाइम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जनता, ठीक से बहुत जनता जुड़ी हुई है, उसके साथ बहुत जनता है। ठीक है, क्या झज्जर में कुछ काम हुए विकास के? सब काम हुए हैं, अरे काम होते हैं, कौन काम नहीं होते। ठीक है जी, उसके बारे में क्या काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ है। अब कप्तान बनेगा तब काम होएंगे। कह रहे गीता बुकल मजबूत उम्मीदवार, लगातार 3 बार चुनाव जीत ली है वो। हाँ जी, उम्मीदवार जीत ली कोई बात नहीं, वो गांव रूढ़ियावास और मातंडेल से बहुत वोट लेती थी, लेकिन उसने कोई भी कार्य नहीं करा। शुरुआत में थोड़ा बहुत किया लेकिन बाद में उसने कुछ भी नहीं किया। गीता बुकल के लिए क्या है, 2 सूट है, 10 रुपये उसको उसके भेज देंगे उसको पीएर वाले। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं, हम कप्तान बिरधाना को जिता कर मान लेंगे। कप्तान बिरधाना, कप्तान बिरधाना, कप्तान बिरधाना। हरियाणा में किसकी सरकार लगी आपको? हरियाणा में सरकार किसकी आएगी? बीजेपी की। कह रहे कि हम सरकार बनाएंगे हरियाणा में तो बीजेपी की आएगी, नवाब सैनी आएगा, कप्तान बिरधाना आएगा। आप बताओ जी, झज्जर में कौन जीतेगा इस बार? कप्तान बिरधाना जी। कुछ लोग कह रहे कि बोला कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे, तो वो तो जी कप्तान ही जीतेगा जी, हम जिताएंगे कप्तान को। नहीं, जनता जिताएगी जी। ठीक, बुकल ने बहुत काम करवाया झज्जर में। कुछ नहीं करवाया जी, कुछ नहीं करवाया गुप्ता बुकल ने जी, कभी किसी के घर भी नहीं गई जी वो। ठीक, कप्तान हर एक घर में गया है जी, गीता बुकल किसी के घर में नहीं गई जी। ठीक, आप बताओ झज्जर में कौन जीतेगा? कप्तान जीतेगा। कह रहे जी कप्तान, गीता बुकल जीतेगी? नहीं नहीं जीतेगा, कप्तान जिताएंगे, जिताएंगे। कुछ नहीं, हमारी औरतों की ताकत कप्तान के साथ है और कप्तान को जिता के छोड़ेंगे, हमारे लिए इतना ही काफी है। तो सुना आपने कि जो महिलाएं हैं उनका क्या कुछ कहना? उनका यही कहना कि कप्तान बिरधाना जो है वो झज्जर से बाजी मारेंगे, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे कि कौन झज्जर से जीतेगा और कौन हारेगा।